तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ वीवो i300 Plus मोबाइल पे अपना मोबाइल में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले सेटिंग को कैसे ऑन करेंगे। तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले सेटिंग को ऑन करने के लिए अगर आपको देखने मिल जाएगा यहाँ पर सेटिंग, तो आपको सेटिंग को अपने मोबाइल में ओपन कर लेना है। और मोबाइल की सेटिंग को ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको देखने मिल जाता है इस तरह से इंटरफेस, और यहाँ पर आपको देखने मिल जाएगा लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर। दोस्तों इस पर क्लिक करना है, और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको देखने मिल जाएगा ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का दोस्तों सेटिंग, यहाँ पर आपको इस पर क्लिक कर लेना। और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का दोस्तों टिक ऑन कर लेना है। और टिक ऑन करने के बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन दोस्तों, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको दोस्तों ऑलवेज ऑन डिस्प्ले सेटिंग में दोस्तों आपको यहाँ पर जो भी रखना है उसको यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। दोस्तों मैं ये वाली अपने मोबाइल में घड़ी सेट करूँगा, ये वाला मैं सेट करूँगा दोस्तों टाइमिंग, इस पर मैं क्लिक करूँगा। और क्लिक करने के बाद यहाँ मैं अपने मोबाइल में अप्लाई कर दूँगा, और अप्लाई करने के बाद सक्सेसफुली हमारा ये ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में सेट हो जाएगा। दोस्तों हमारे मोबाइल में देखते हैं ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑन हुआ या सेट हुआ कि दोस्तों, यहाँ पर आपको डायरेक्ट बैक करना है, और बैक करने के बाद कट कर दिया, और कट करने के बाद अपना स्क्रीन ऑफ करूँगा। और ऑफ करने के बाद यहाँ पर देखते हैं हमारे मोबाइल में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले सेटिंग ऑन हो गई। दोस्तों देख सकते हैं हमारे मोबाइल में यहाँ पर टाइम दिखा रहा है, और कितना परसेंट बैटरी बचा हुआ वो भी दिख रहा है, और डेट टाइम सब दिख रहा है इसमें। और दोस्तों इस तरह से आप वीवो i300 Plus मोबाइल अपना ऑलवेज ऑन डिस्प्ले सेटिंग ऑन कर पाएंगे। दोस्तों वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नए वीडियो किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।